हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को, अगर आप DUSOL में पढ़ते हो और अगर आपका BA प्रोग्राम कोर्स है और सेमेस्टर 4 का एग्जाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 का, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप अपना एग्जाम देने से पहले तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पेपर में फंस जाएं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, आप अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ कि किस तरीके का पेपर आपका आने वाला है। तो ये जो पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर है, और इसमें आप देख सकते हो कि आपका 90 नंबर का पेपर लिखा हुआ है, और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के होते हैं, मींस कोई कम ज्यादा नंबर का नहीं है, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के ही होने वाले हैं आपके। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है। अब मैं आपको इस वीडियो में दो तीन चीजें देने वाला हूँ, एक तो आपको लेटेस्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी पक्का आएंगे पेपर में, तीसरा आपको फ्री PDF नोट्स कैसे मिलेंगे उसका जुगाड़ बता दूंगा। तो सबसे पहले है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम अंडर द अकबर, अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली का विकास कैसे हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें और क्या यह धार्मिक रूढ़िवादिता से विच्छेद था, यानी कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है वो आपको बतानी है। और तीसरा प्रश्न है औरंगजेब की राजपूत नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभाव का परीक्षण करें, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द औरंगजेब राजपूत पॉलिसी और उसके इफेक्ट क्या हुए। चौथा प्रश्न है क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द एमर्जेंस ऑफ मराठास अंडर द शिवाजी, यानी कि शिवाजी के अधीन मराठाओं का कैसे उत्कर्ष हुआ, कैसे मराठा साम्राज्य फला फूला बड़ा हुआ, वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे मुगल वास्तुकला के विकास को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाएं, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर विद रेफरेंस टू रेड फोर्ट और ताजमहल कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे शेख अहमद सर हिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिला पर एक लेख लिखो, यानी कि राइट एन एसे ऑन नक्शबंदी ऑर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख अहमद सर हिंदी। अब इसके बाद सातवां प्रश्न जो है आपका वो है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में भारत का समुद्री व्यापार कैसा था, वो आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं, सबसे पहला शॉर्ट नोट है जागीरदारी सिस्टम क्या था, जागीरदारी प्रथा। दूसरा है जप्ती सिस्टम, जप्ती प्रथा क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है मुगल पेंटिंग, यानी कि मुगल चित्रकला, और उसके बाद है चौथा है चरखा नामा। तो ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आया हुआ है 2024 में। अब आप पूछोगे किसका आया है, तो ये रेगुलर वाले बच्चों का आया था और NCVAP वालों का आया था। तो अगर आपका सेम सब्जेक्ट है ना, तो पेपर यही आएगा, इसी तरीके से आएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज होंगे। अब मैं आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देता हूं जो आपको करने हैं। तो मुगल साम्राज्य को आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य, जैसा कि आपको बताया था, ये आ गया है क्वेश्चन पहले ही। अकबर के अधीन मुगल राजपूत संबंध, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। फिर है 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में व्यापार और वाणिज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी व्यवस्था, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में आ सकता है। छठा प्रश्न है चक्की नामा और चरखा नामा, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर कर लेना, और जो मैंने आपको पेपर दिखाया है वो भी कर लेना। अब आप पूछोगे फ्री नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो उसके लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, एकलव्य स्नातक वन सर्च मारना है, और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिसको आप सुन सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सो सारा जुगाड़ आपको दे दिया गया है, अब आपकी मेहनत आपको करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में आप और भी पेपर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको चाहिए। जय हिंद, जय भारत।